नमस्कार, मैं सोनाली चावरे और आप देख रहे हैं कारुन्यूज। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर एक ट्रंप कार्ड खेला है। उन्होंने लखनऊ में ऐलान किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका के इस ऐलान से दूसरे दलों में काफी बेचैनी बढ़ी है। प्रियंका इस ट्रंप कार्ड के जरिए 6.67 करोड़ महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 403 विधानसभा सीटों में से 160 पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने का ऐलान एक बड़ा सियासी दाव है। ये कहना आप गलत नहीं होगा कि प्रियंका गांधी ने चुनाव को लेकर बड़ा सियासी दाव खेला है। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश के 40% महिला वोट पर है। क्या 40% महिला मतदारों को प्रियंका गांधी लुभा पाएगी, यह एक बड़ा सवाल करता है। अब तक महिलाओं को लेकर किस पार्टी ने कितनी हिस्सेदारी दी है, देखिए कारू न्यूज की इस रिपोर्ट में। 17वीं लोकसभा में बीजेपी की 40 महिला सांसद है, तृणमूल कांग्रेस की 9 सांसद है, कांग्रेस की 6 सांसद है, बीजेडी की 4, वाईएसआर की 4, इसके अलावा 2 दलों की 2-2 महिलाएं और करीब 9 दलों की 1-1 महिला सांसद संसद पहुंची है। इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस में महिलाओं की संख्या काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका महिला कार्ड खेल रही है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए जो आवेदन मांगे हैं, उन्हें प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को 40% टिकट देने की बात तो हो रही है, ऐसे में प्रदेश में 160 महिला उम्मीदवार ढूंढना भी पार्टी के लिए चुनौती साबित होगा। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क को न माफ किया है और न ही कोई छूट दी है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया तो फिर एक बार जेंडर गेम को लेकर बहस छिड़ गई। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 40 महिलाएं विधायक चुनी गई, जबकि 2012 में 36 महिलाएं विधायक चुनी गई। 2019 में अब तक सर्वाधिक 78 महिलाएं सांसद के रूप में चुनी गई है, जो 14.36% है। इससे पहले 2014 में 62 महिलाएं चुनी गई थी, जिनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत 11.4% था। वहीं 2009 में 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 52 थी। इससे पहले 1996 में संसद में महिलाओं का प्रतिशत 6.7% था, जबकि सबसे कम 1977 की 6ठी लोकसभा में केवल 19 महिलाएं सांसद थी, जो केवल 3.5% था। वहीं राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जो कुल सदस्य संख्या का 10% है। अगर दोनों सदनों को मिलाकर देखा जाए तो यह संख्या 100 के पार जा पहुंची है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5.8% महिलाएं शामिल है। देश की संसद में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। वर्तमान में संसद में केवल 12% महिलाएं हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुए थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण से जुड़ा हुआ विधेयक पेश किया, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका, जबकि कांग्रेस की सरकार थी। तब से लेकर
आज तक महिला आरक्षण बिल लंबित है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर सपा भी पीछे नहीं है। सपा शासन काल में महिलाओं के लिए कन्या विद्याधन महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की है, लेकिन अब अलग से महिलाओं के लिए कोई बात नहीं होती। जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया तो खुद एक महिला है, उसके बावजूद भी बसपा शासन काल में महिलाओं को टिकट देने की बात से लेकर महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अब कांग्रेस के 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के बाद दोनों ही दलों में सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि प्रदेश में महिला वोट बैंक की हिस्सेदारी 40% है। उत्तर प्रदेश में 2019 के आंकड़ों के अनुसार 7.79 पुरुष मतदाता है, जबकि 6.61 करोड़ महिला मतदाता है। वहीं आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हिस्सेदारी 40% है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वर्तमान में 40 महिला विधायक है, जबकि अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो यह 10% ही बैठता है। पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान की लगभग 54% सीटों पर जीत दर्ज की है। 58,176 पदों में से 31,212 पर जीत हासिल की, जो उनके लिए आरक्षित 1/3 सीटों से बहुत अधिक है। भाजपा की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से ही महिलाओं के लिए फिक्रमंद है, जिसके चलते उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, 3 तलाक कानून पर काम किया गया। इसका 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा भी मिला, क्योंकि जहां उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली, तो वहीं शौचालय के निर्माण होने से उन्हें कई बीमारियों से भी मुक्ति मिली और महिलाओं से जुड़े अपराध में भी कमी आई। वहीं मुस्लिम समाज की महिलाएं 3 तलाक कानून को लेकर काफी पीड़ित थी, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों के जरिए क्या प्रियंका गांधी सत्ता स्थापित कर पाएगी, यह आने वाले परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। महिलाओं को 40% हिस्सेदारी का ऐलान तो उन्होंने कर ही लिया है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से स्थापित करना कांग्रेस के लिए चुनौती है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए जुड़े रहिए कारू न्यूज के साथ, क्योंकि हम तो बोलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हौसला